Hello friends, today we will discuss analysis of truss. Before discussion of truss, before analysis of truss, पहले हम need of truss की बात करते हैं कि truss की ज़रूरत क्यों पड़ती है. ठीक है, truss कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जहाँ बड़े बड़े स्पैन्स हों, दो वॉल के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा हो, जनरली 30 मीटर से ज़्यादा हो, वहाँ पे हम बीम प्रोवाइड नहीं कर पाते या बीम की डेप्थ बहुत ज़्यादा आती है. ठीक, वो अन इकोनॉमिकल हो जाता है. तो उस केस में हम इस तरह के स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं. ये रॉड्स होती हैं, रॉड्स को इस तरह से ज्वाइन करके ट्रस बनाया जाता है और इसके ऊपर कॉरूगेटेड रूफिंग शीट्स डाल देते हैं. बड़े बड़े सेमिनार हॉल्स होते हैं, सिनेमा हॉल है, रेलवे प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर ये यूज़ होता है. ठीक है, एक मैंने आपको बताया कि एक रीज़न तो ये हुआ कि जब स्पैंस बड़े बड़े हों तब वहाँ पर ये यूज़ होता है. एक और रीज़न है कि ट्रस मेंबर जनरली एक्चुअली लोडेड होते हैं, तो जो फाइबर्स होते हैं मेंबर के वो ऊपर से नीचे तक इक्वली स्ट्रेस्ड होते हैं. इक्वली स्ट्रेस्ड होते हैं मतलब कि हर मेंबर में स्ट्रेस की वैल्यू सेम होती है. बट अगर हम बेंडिंग की बात करते हैं, जैसे बीम की बात करते हैं, तो बीम में क्या होता है कि जब बीम बेंड होता है तो जो उसके एक्सट्रीम फाइबर्स हैं उन पर स्ट्रेसेस ज़्यादा होती है, या इनर फाइबर्स जो होते हैं उनके अंदर स्ट्रेस कम होती है. ठीक, जब आप किसी मेंबर को बेंड करते हैं तो एक्सट्रीम फाइबर्स पे मैक्सिमम स्ट्रेसेस होती हैं और जैसे जैसे आप न्यूट्रल लेयर की तरफ आते हैं तो स्ट्रेसेस की वैल्यू कम होती जाती है और न्यूट्रल लेयर पे ज़ीरो हो जाती है. मतलब हर फाइबर अपनी मैक्सिमम स्ट्रेस पे नहीं जाता, मतलब मटेरियल अंडर यूटिलाइज हो रह जाता है. तो फॉर इकोनॉमी ऑफ द सेक्शन वहाँ पर भी हम ट्रस यूज़ करते हैं. तो जनरली ये दो रीज़न हैं जिनके कारण हम ट्रस मेंबर यूज़ करते हैं. ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम ट्रस को क्लासिफाई करते हैं. एनालिसिस के पहले क्लासिफिकेशन करते हैं और फिर उसको एनालिसिस की बात करेंगे. देखिए, ट्रस को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक परफेक्ट ट्रस और एक इम्परफेक्ट ट्रस. ठीक, अगर m इज इक्वल टू 2j-3 हो, एक इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन, कि m इज इक्वल टू 2j-3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, वो बाद में देखेंगे अपन. फिलहाल मैंने बोला कि m इज इक्वल टू 2j-3 तो वो ट्रस परफेक्ट ट्रस होगा. अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कोई ट्रस तो वो परफेक्ट है. यहाँ पे m नंबर ऑफ मेंबर है, j नंबर ऑफ जॉइंट्स है. ठीक है, चलिए उसी तरह से इम्परफेक्ट ट्रस की बात करते हैं कि m इज नॉट इक्वल टू 2j-3 है तो वो ट्रस इम्परफेक्ट ट्रस कहलाता है. ठीक है, अब m इज नॉट इक्वल टू 2j-3 मीन्स टू कंडीशन अराइज. कौन कौन सी, एक m इज ग्रेटर देन 2j-3 हो सकता है, या m इज लेस देन 2j-3 हो सकता है. इफ m इज ग्रेटर देन 2j-3 देन ट्रस इज नोन एज रिडंडेंट ट्रस. उस ट्रस को हम रिडंडेंट ट्रस बोलते हैं. और अगर m इज लेस देन 2j-3 हो तो उसे डिफिशियंट ट्रस बोला जाता है. लेकिन डिफिशियंट ट्रस अनस्टेबल होता है. रिडंडेंट ट्रस का एनालिसिस किया जाता है लेकिन वो टॉस 2 में करते हैं. वो कैसे करते हैं वो अपन बाद में देखेंगे. अभी आपको मैं परफेक्ट ट्रस का एनालिसिस बताता हूँ कि परफेक्ट ट्रस को कैसे एनालिसिस किया जाता है. ठीक, समझ में आया. मैंने कहा आपसे कि ट्रस दो तरह के होते हैं, परफेक्ट इम्परफेक्ट. परफेक्ट ट्रस वो ट्रस होते हैं जो m इक्वल टू 2j-3 इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं. जो नहीं करते वो इम्परफेक्ट होगा. इम्परफेक्ट को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, रिडंडेंट एंड डिफिशियंट. डिफिशियंट ट्रस अनस्टेबल होता है और रिडंडेंट ट्रस को हम सॉल्व कर सकते हैं लेकिन वो इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर की तरह, मतलब उसमें एक्स्ट्रा इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ती है. जैसे ये परफेक्ट ट्रस है, परफेक्ट ट्रस एक डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको अप्लाइड मैकेनिक्स में पढ़ा जाता है. इसको एनालिसिस अप्लाइड मैकेनिक्स में किया जाता है. ठीक है, और इसका एनालिसिस, रिडंडेंट ट्रस का एनालिसिस हम टॉस में करते हैं. जब टॉस पढ़ेंगे तब आपको बताऊँगा कि कैसे करना है. ठीक है, चलिए तो परफेक्ट ट्रस का एनालिसिस करते हैं. लेकिन एनालिसिस करने के पहले मैं कुछ आपको एजम्पशंस बताता हूँ. एनालिसिस ऑफ ट्रस में कौन सा एजम्पशन यूज़ किए जाते हैं वो मैं आपको बता रहा था. ठीक है, एजम्पशंस की बात करते हैं. फर्स्ट एजम्पशन, ऑल मेंबर्स मस्ट बी स्ट्रेट, कि ट्रस मेंबर जो होते हैं वो स्ट्रेट होना चाहिए, कहीं से बेंड नहीं होना चाहिए. ठीक, पहली कंडीशन. सेकेंड, लोड मस्ट बी एक्ट एट द जॉइंट्स ओनली, कि लोड मेंबर के बीच में कहीं एक्ट नहीं करेगा, सिर्फ जॉइंट पे अप्लाई करते हैं. ठीक,
क्योंकि बीच में अप्लाई करोगे तो बेंडिंग इफेक्ट आ जाता है और बेंडिंग इफेक्ट कंसीडर नहीं किया जाता ट्रस के अंदर। थर्ड पॉइंट, मेंबर शुड बी कनेक्टेड कंसेंट्रिकली, ठीक है, मतलब कनकरेंट होते हैं कोई भी मेंबर, जॉइंट्स पे कनकरेंट मेंबर्स होते हैं, ठीक, मतलब इस तरह से जॉइंट किया जाता है, ये गजेट प्लेट है और ये मेंबर्स हैं। तो किसी भी जॉइंट पे मेंबर को इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि वो एक ही जॉइंट पे मीट करें, मतलब जॉइंट शुड बी या मेंबर शुड बी कनकरेंट एट एनी जॉइंट। ओके, ये आपका थर्ड एजम्पशन था। एक फोर्थ एजम्पशन और बताता हूँ कि ऑल जॉइंट मस्ट बी फ्रिक्शनलेस और पिन कनेक्टेड, कि मेंबर जो है वो पिन कनेक्टेड होना चाहिए, रिजिड जॉइंट हम नहीं कंसीडर करते, ठीक, क्यों नहीं करते वो भी आपको बताता हूँ। देखिए, किसी भी जॉइंट के रोटेशन के कारण मेंबर बेंड हो सकता है, लेकिन ट्रस मेंबर बहुत थिन होते हैं या सिलेंडर होते हैं, तो उनको रोटेट करने के लिए बहुत कम मोमेंट लगता है, ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू उस जो एक्चुअल फोर्स के कंपैरिजन में बहुत कम होती है, ठीक, वो मैंने उसको लिखा भी है यहाँ पे, एक्चुअल फोर्स इन मेंबर ऑफ ट्रस आर वेरी हाई कंपेयर्ड टू बेंडिंग मोमेंट, ड्यू टू दिस जॉइंट आर आइडियलाइज्ड एज पिन कनेक्टेड इवन इट इज रिजिड कनेक्टेड या इवन इट इज रिजिड जॉइंट, कि अगर जॉइंट रिजिड भी है तो उसको भी हम आइडियलाइज्ड वे मानते हैं और ये मानते हैं कि वो पिन कनेक्टेड है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे हम बेंडिंग इफेक्ट को कंसीडर नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे ये जो एक्शियल फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। तो ये आपके एजम्पशंस थे ट्रस को एनालिसिस करने के लिए, कि ट्रस जब हम एनालिसिस करेंगे तो कौन कौन से एजम्पशंस लिए जाते हैं वो मैं आपको बता रहा था। अब हम इसका साइन कन्वेंशन की बात करते हैं, ट्रस में क्या साइन कन्वेंशन चलता है वो मैं आपको बता रहा था। देखिए, ये साइन कन्वेंशन की बात करता हूँ ट्रस के अंदर, तो ट्रस के अंदर सिर्फ टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स दो ही तरह के फोर्स होते हैं, मतलब सिर्फ एक्शियल फोर्सेस होते हैं। एक्शियल फोर्स होने के कारण उसमें क्या साइन कन्वेंशन यूज़ होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये मेंबर है, पिन कनेक्टेड है एंड्स पे, जॉइंट्स पे, और अगर उस पर इस तरह का फोर्स इंड्यूस होता है, ठीक, मीन्स मेंबर के बाहर निकलता हो, मेंबर के अंदर से बाहर निकलते हुए स्ट्रेसेस होती हैं या फोर्स होता है, तो उसको हम बोलते हैं टेंसाइल फोर्स, ठीक, और टेंसाइल फोर्स को पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, टेंसाइल फोर्स इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव, मीन्स मेंबर के अंदर से बाहर निकलता जो फोर्स होगा या स्ट्रेस होगी उसको हम टेंसाइल बोलेंगे। और अगर ये मेंबर है, पिन कनेक्टेड है और उसमें फोर्स अंदर जाते हुआ है, ठीक, मतलब फोर्स जो है वो मेंबर के अंदर जाते हुआ है तो उसे हम बोल देते हैं कंप्रेसिव फोर्स, ठीक, और कंप्रेसिव फोर्स इज कंसीडर्ड एज नेगेटिव इन एनालिसिस ऑफ ट्रस। ट्रस के एनालिसिस में कंप्रेसिव फोर्स को नेगेटिव कंसीडर करेंगे और टेंसाइल फोर्स को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, ठीक, टेंसाइल फोर्स वो अंदर से बाहर निकलता हुआ है और कंप्रेसिव फोर्स वो जो मेंबर के अंदर जाता हुआ है, ठीक। चलिए, अब क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रस की बात करते हैं। एनालिसिस के पहले कुछ मैं आपको कितने तरह के ट्रस होते हैं वो डिस्कस करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रस की हम बात कर रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रस क्या होता है, ट्रस को हम कितने तरह से क्लासीफाई करते हैं, तो मैंने आपसे कहा कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन जियोमेट्री पहला क्लासिफिकेशन है और कई सारे तरह के ट्रस होते हैं, और दूसरा क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एनालिसिस। मैं इसी पे कंसंट्रेट करता हूँ, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एनालिसिस। तो इसमें सिंपल ट्रस होते हैं, कंपाउंड ट्रस होते हैं और कॉम्प्लेक्स ट्रस होते हैं, ठीक है, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सिंपल ट्रस मतलब क्या है, कि दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ट्रस मेंबर या ट्रस, ये एक ट्रस का बेसिक कंपोनेंट ऑफ ट्रस, ठीक, थ्री मेंबर्स हैं, थ्री जॉइंट्स, इससे मिलके एक ट्रस बन जाता है, ठीक। अगर आपको और ट्रस को आगे बढ़ाना है तो दिस रिक्वायर टू मेंबर एंड वन जॉइंट, तो और ट्रस बढ़ गया आगे, और आगे बढ़ाना है तो फिर से अगेन टू मेंबर एंड वन जॉइंट, इस तरह से आप ट्रस को
जितना चाहें उतना आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल ट्रस्ट समझना है कि किसी भी ट्रस्ट को और आगे इंक्रीज करना है तो दो मेंबर और एक जॉइंट बढ़ाते जाइए, ट्रस्ट को जैसे चाहें वैसे बढ़ा सकते हैं। ये था सिंपल ट्रस्ट। दूसरा जो ट्रस्ट है एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कहलाता है कंपाउंड ट्रस्ट। तो कंपाउंड ट्रस्ट को भी हम आगे कई सारे पार्ट में, तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला आपको टाइप बताता हूँ, फर्स्ट टाइप। ये फर्स्ट टाइप को जो कंपाउंड ट्रस्ट है वो किस तरह का, ये है एक ट्रस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक कॉमन जॉइंट और एक कॉमन मेंबर, ये दो सिंपल ट्रस्ट को ज्वाइन कर देते हैं तो आपको कंपाउंड ट्रस्ट बन जाता है। ठीक, कैसे, देखिए मैंने कहा टू सिंपल ट्रस्ट आर कनेक्टेड बाय ए कॉमन जॉइंट एंड कॉमन मेंबर। कैसे, एक ये सिंपल ट्रस्ट है, एक ये सिंपल ट्रस्ट, इसको इस कॉमन जॉइंट और ये कॉमन मेंबर से कनेक्ट कर दिया, तो ये जो ट्रस्ट बना वो कंपाउंड ट्रस्ट हो गया। तो ये फर्स्ट टाइप का कंपाउंड ट्रस्ट है। और भी मैं आपको बताता हूँ, और भी कई एक दो तरह के और कंपाउंड ट्रस्ट बना सकते हैं अपन, वो देखते हैं। ठीक है, सेकंड टाइप बताता हूँ, सेकंड कंपाउंड ट्रस्ट ये है। ठीक है, ये सेकंड टाइप है। ये किस तरह से एनालिसिस करते हैं, थ्री मेंबर्स आर यूज टू कनेक्ट टू सिंपल ट्रस्ट, एक सिंपल ट्रस्ट ये है, दूसरा सिंपल ट्रस्ट ये है, इस मेंबर को ने और इस मेंबर ने और ये थ्री मेंबर, ये थ्री मेंबर्स हैं। दीज आर द थ्री मेंबर, इन थ्री मेंबर्स, ये थ्री मेंबर्स ने इन दो सिंपल ट्रस्ट को कनेक्ट कर दिया, तो ये कंपाउंड ट्रस्ट का भी एनालिसिस आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ये टाइप टू टाइप, ये सेकंड टाइप का कंपाउंड ट्रस्ट है। एक और कंपाउंड ट्रस्ट आपको बताता हूँ, थर्ड टाइप का, वो देखते हैं कि उसका कैसे एनालिसिस करेंगे। कंपाउंड ट्रस्ट का जो थर्ड टाइप है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, व्हेन मेंबर ऑफ सिंपल ट्रस्ट इज रिप्लेस्ड बाय सेकेंडरी सिंपल ट्रस्ट। ठीक है, दिस इज सेकेंडरी सिंपल ट्रस्ट, दीज आर द थ्री सेकेंडरी सिंपल ट्रस्ट। ठीक, तो ये भी एक कंपाउंड ट्रस्ट का एनालिसिस पर्पस से, ये कंपाउंड ट्रस्ट का एक तीसरा टाइप। एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ट्रसेस को थ्री पार्ट में डिवाइड किया, पहला बोला मैंने सिंपल ट्रस्ट, दूसरा बोला कंपाउंड ट्रस्ट, और तीसरा भी आपको बताता हूँ कॉम्प्लेक्स ट्रस्ट। ठीक है, सिंपल ट्रस्ट बहुत आसान था, कंपाउंड ट्रस्ट में मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया था, तीन तरह के टाइप बताए थे, फर्स्ट सेकेंड और ये लास्ट टाइप था थर्ड। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स ट्रस्ट क्या होता है वो और आपको बताता हूँ, और उसके बाद फिर अपन इसका एनालिसिस की बात करेंगे। ठीक है, तो ये थर्ड टाइप है कॉम्प्लेक्स ट्रस्ट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ट्रस्ट कौन से होंगे, जब आप सिंपल ट्रस्ट भी ना हो और कंपाउंड ट्रस्ट भी ना हो, तो फिर उसको हम कॉम्प्लेक्स ट्रस्ट बोल देते हैं। ठीक, मैंने क्या कहा कि ट्रस्ट डेट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज सिंपल और कंपाउंड इज नोन एज कॉम्प्लेक्स ट्रस्ट। इस तरह के जो ट्रस्ट हैं इसे कॉम्प्लेक्स ट्रस्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो मैंने क्लासिफिकेशन आपको बताया कि ट्रस्ट का क्लासिफिकेशन क्या होता है। हम ज्योमेट्रिकल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, वो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उसको तीन पार्ट में क्लासिफाई किया, सिंपल ट्रस्ट, सेकंड ट्रस्ट जो बोला वो मैंने कंपाउंड ट्रस्ट बोला, उसको भी तीन केसेस बताए उसके, और फिर ये लास्ट जो बोला ये है कॉम्प्लेक्स ट्रस्ट। ठीक, अब आगे चलते हैं, और एनालिसिस के पहले फोर्स पॉलीगन क्या होता है हम उसकी ओर बात करते हैं। ठीक है, फोर्स पॉलीगन से बेसिकली हम ये देखते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं। ठीक है, कैसे, कि अगर पॉलीगन क्लोज होता है तो बोल देते हैं बॉडी इक्विलिब्रियम में, और अगर पॉलीगन क्लोज नहीं है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होती। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से, ये दो एग्जांपल लिखे हैं, इन दो एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे देखते हैं। ठीक है, जैसे ये P1 है, तो P1 की डायरेक्शन ये P1 लग गया है यहाँ पे, दिस फोर्स इज P1। ठीक है, ये P2 फोर्स है, तो ये P2 फोर्स को मैंने यहाँ बना दिया, दिस इज फोर्स P2, ये फोर्स P2 है, ये फोर्स P2 है, फिर P3 फोर्स लग रहा है,
ठीक है, तो पी थ्री फोर्स की डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में लग रहा है ये, तो ये पी थ्री फोर्स हो गया, ये पी वन फोर्स था, ये पी टू फोर्स है, ये पी वन है, दिस इज पी टू एंड दिस इज पी थ्री, ठीक है। और पी फोर फोर्स कैसा लग रहा है, पी फोर फोर्स कैसा लग रहा है, पी फोर फोर्स की डायरेक्शन जो है वो ये, दिस इज पी फोर, ठीक है। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट ये आपस में मीट नहीं किए, ठीक, मीट नहीं हुए, मींस इनको आपको इस तरह से ज्वाइन करना होगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को आपने अगर ज्वाइन किया, ठीक, तो ये जो फोर्स आया इस फोर्स को बोल दीजिए पी आर, ठीक है। तो ये पॉलीगन क्लोज पॉलीगन नहीं है, मींस दिस बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, आया समझ, मैंने क्या बोला, जॉइंट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम बिकॉज फोर्स पॉलीगन इज नॉट क्लोज्ड, ओके। चलिए अब इस सेकेंड एग्जाम्पल की ओर बात कर लेते हैं कि अगर ये बॉडी है, इस पे ये चार फोर्स इस तरह से एक्ट कर रहे हैं, तो फिर इससे पॉलीगन हम बना के देखते हैं, ठीक। ये स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज फोर्स पी वन, ठीक है, ये पी टू फोर्स है, पी टू फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो ये पी टू फोर्स बना देता हूँ मैं, दिस इज फोर्स पी टू, ये पी टू की डायरेक्शन हो गई। पी थ्री कहाँ लग रहा है, पी थ्री इधर लग रहा है, अगेन हॉरिजॉन्टल है ये, तो दिस इज फोर्स पी थ्री, ठीक है। और ये पी फोर्स जो है वो पी फोर जो फोर्स है उसको भी इस डायरेक्शन बना दीजिए, तो पी फोर सॉरी ये पी फोर फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में बना दीजिए, तो दिस इज ये फोर्स, दिस इज पी फोर, ठीक है, ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स पी फोर की जो डायरेक्शन है वो इधर है, तो ये पी फोर हो गया, मीन्स दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, व्हाई, बिकॉज दिस पॉलीगन इज क्लोज, क्योंकि एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों मीट कर गए, ठीक है, इसलिए ये बॉडी इक्विलिब्रियम में, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है ये नहीं है, वो हम फोर्स पॉलीगन से इस तरह से देखते हैं।